आज हम बात करने जा रहे हैं दांतों की समस्या के बारे में। दांतों में होने वाली जो भी प्रॉब्लम है, किस तरह से हम पूर्ण रूप से इनसे बच सकते हैं। देखा जाता है कि सामान्यतः दांतों में दर्द, मसूड़ों के अंदर इन्फेक्शन, मसूड़ों में सूजन, ब्लडिंग, इस तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। तो आज हम विस्तृत जानकारी देंगे किस तरह से आप दांतों की समस्याओं से बच सकते हैं। आइए जानते हैं उसी के बारे में। जय गो माता, वंदे मातरम, ज्योतिर्मय गोमरी सेवा संस्थान से मैं डॉक्टर वी के भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो बड़ी बड़ी कंपनियां फास्ट फूड बनाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर फास्ट फूड वैज्ञानिक या साइंटिस्ट बैठे हैं, वो इस तरह के केमिकल का प्रयोग करते हैं फास्ट फूड के अंदर कि आपको लत लग जाए, एडिक्शन, आपको खाना खाने की एडिक्शन लग जाए कि भूख हो ना हो लेकिन आपको पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, अलग अलग कंपनियों का खाना है। कारण क्या है? उसके अंदर इतने हानिकारक केमिकल मिला है। और जब आप ये पैकिंग फूड खाते हैं, कूड़ा कचरा खाते हैं, तो धीरे धीरे आपके मुंह की जो ऑरल कैविटी है उसके अंदर जो रस बनते हैं, लार बनती है, वो धीरे धीरे सूखती है, गला सूखता है और बार बार छाले, दांतों में दर्द, कैविटी, ऑरल कैविटी के अंदर सूजन, इस तरह की समस्याएं बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं किसी को अगर दांतों संबंधित कोई भी समस्या है, कम से कम सूजन हो गया, चाहे किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, एक घरेलू उपाय हम देने जा रहे हैं वो है, अगर आपको दांतों संबंधित समस्या है तो आपको सबसे पहले लेना है हल्दी। हाँ जी, हल्दी ले लीजिए। हल्दी कितनी लेनी है? 2 चुटकी आपने हल्दी लेने ली, उसके अंदर आपको 1 से 2 चुटकी आपको ले लेनी है फिटकरी। हाँ जी, हल्दी और फिटकरी और थोड़ा सा सेंधा नमक, इन तीनों को मिला के आप पाउडर बना लीजिए। इससे आप मंजन कर लीजिए। अगर आपने 2-3 दिन मंजन कर लिया, कोई भी समस्या हो वो समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आप ये नहीं कर सकते घर के अंदर, तो आप संस्थान द्वारा बनाया गया दंत प्रभा, ये दंत प्रभा मंजन जो आप देख रहे हैं, ये सैकड़ों पेशेंट संस्थान से ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको दांतों संबंधित प्रॉब्लम सालों से थी, लेकिन आज दंत प्रभा के इस्तेमाल से आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। कभी उनको याद ही नहीं है कि उनको दांतों में कब अंतिम बार दर्द हुआ था, कभी ऐसा नहीं होता, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अंदर वही चीजें जो मैंने बताई है, इसके अलावा देसी गौ माता के कंडों का प्रयोग किया गया है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये पूर्ण रूप से शुद्ध है, इसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गव्य दंत प्रभा का इस्तेमाल करके आपके दांत और आपका ऑरल कैविटी बहुत ही अच्छा हो जाएगा और जो लार ग्रंथि है वो एक्टिवेट होगी, मुंह के अंदर अच्छे से एंजाइम बनेंगे और दांतों संबंधित प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो आप दंत प्रभा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये समस्या अगर बार बार हो रही है तो आपको 2 चेंजेस करने हैं। पहला चेंजेस है भोजन के अंदर। भोजन के अंदर हमेशा 2 प्लेट बनानी है, एक प्लेट के अंदर कच्ची साग सब्जियां और फल, दूसरे प्लेट के अंदर आपका घर का बना हुआ खाना। खाने का तरीका बदलना है, सबसे पहले कच्चा खाना है, उसके बाद पक्का खाना है। पहले कच्चा खाइए फिर पक्का खाइए। आपको 1 प्लेट भर के पहले कच्चा खाना है, उसके बाद घर में जो भी भोजन बने वो खाना है। अगर आप इस तरह से भोजन में बदलाव कर लेंगे तो आपको मुंह संबंधित समस्या कभी नहीं होगी, किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा दांतों के अंदर। और आपको स्वास्थ्य संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो दांतों की समस्या से पीड़ित है उनकी हम हेल्प कर सके। जय गो माता, वंदे मातरम।